आपका स्वागत है। पीओके पर आर्मी चीफ का बयान, जम्मू कश्मीर हमारा है। नए थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने आज ऐलान किया कि अगर देश की संसद चाहेगी तो सेना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेने के लिए कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि संसद इस बारे में प्रस्ताव पास कर चुकी है कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है। सेना दिवस से पहले थल सेना प्रमुख जनरल नरवणे आज राजधानी दिल्ली में सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने साफ तौर से कहा कि पीओके भारत का हिस्सा है और उसे वापस लेने के लिए संसद को प्रस्ताव पास करना होगा। जनरल नरवणे ने यह भी कहा कि हमारी पश्चिमी सीमाएं यानी पाकिस्तान से सटी सीमाएं बेहद मजबूत हैं, लेकिन अब हमारा ध्यान चीन से सटी पूर्वी सीमाओं को मजबूत करना है। थल सेना प्रमुख ने कहा कि जब भी भारत को दो मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ी तो एक ही फ्रंट पर मुख्य लड़ाई लड़ी जाएगी, जबकि दूसरा सेकेंडरी होगा। लेकिन जनरल नरवणे का पीओके का बयान इस मायने में भी अहम है क्योंकि उनके पूर्व सब CDS जनरल विपिन रावत ने हाल ही में कहा था कि सेना सत्तारूढ़ सरकार के आदेशों का पालन करती है। ऐसे में जनरल नरवणे ने साफ कर दिया है कि भारतीय सेना संसद का आदेश मानेगी। हाल ही में आए नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CA पर अप्रत्यक्ष तौर से जवाब देते हुए थल सेना प्रमुख ने कहा कि भारतीय सेना एक पेशेवर सेना है, हमारी कार्रवाई हमारे देशवासियों के लिए है, हम भारतीय संविधान के दायरे में काम करते हैं और हमारे निहित मूल्य भारतीय संविधान में है। एक्सक्लूसिव समाचार में आज के लिए इतना ही। ऐसी और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।